हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज के बिजनेस इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले क्विज लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट आईटी एंड आईटीएस आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनी। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी और आईटीएस आईटी इनेबल्ड सर्विस कंपनी कौन सी है? इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS या फोर्थ विप्रो टेक्नोलॉजीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। TCS इंडिया की लार्जेस्ट आईटी और आईटीएस आईटी इनेबल सर्विस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इंफोसिस टेक्नोलॉजीज विच हैज टोटल असेट्स ऑफ ओवर $30 billion इन 2011। नीचे देखो में से कौन चेयरपर्सन बने इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के 2011 में, जिसके टोटल असेट्स $30 billion है। ऑप्शन नंबर वन एस गोपाल कृष्णन, सेकंड नंदन नीलेकानी, थर्ड NS राघवन, फोर्थ SD शिबुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, नंदन नीलेकानी। नंदन नीलेकानी सर्विंग एज द चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस एज ऑफ अप्रैल 2020, यानी कि 2020 तक एज ए सर्विस ने दी चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस की 2011 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच अमॉन्ग दिस इज द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। नीचे दिए गए में से कौन सा एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन नंबर वन शंघाई, ऑप्शन नंबर टू टोक्यो, ऑप्शन नंबर थ्री बॉम्बे मुंबई, फोर्थ हांगकॉन्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बॉम्बे मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच वॉज द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। नीचे दिए गए में से कौन सा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? अमेरिकन एक्सप्रेस, सेकंड डायनास क्लब, थर्ड मास्टर कार्ड, फोर्थ वीजा। इन चारों में से कौन सा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस्ड हुआ इंडिया में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, डायनास क्लब। डायनास क्लब ये पहला क्रेडिट कार्ड था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच कमोडिटी फॉर्म्स द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इंपोर्ट। नीचे देखे में से कौन सी कमोडिटी फॉर्म करते है सिंगल लार्जेस्ट आइटम इंडिया की इंपोर्ट्स में? कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर टू फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, थर्ड गोल्ड एंड फोर्थ इज ऑयल फ्यूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, ऑयल फ्यूल। ऑयल फ्यूल कमोडिटी फॉर्म्स द सिंगल लार्जेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज द फर्स्ट इंडियन एंड ऑल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस 100 मूवीज। नीचे देखे में से कौन सा पहला भारतीय और ऑल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस 100 मूवीज। नीचे दिए में से कौन सा भारतीय और ऑल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस 100 मूवीज, जिसने 100 मूवीज प्रोड्यूस की, वो कौन है पहला इंसान जिसने 100 मूवीज प्रोड्यूस की? ऑप्शन नंबर वन यश चोपड़ा, सेकंड विजय अमृत राज, थर्ड डी रामा नायडू, फोर्थ AVM स्टूडियोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डी रामा नायडू, ये पहले भारतीय और ऑल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस 100 मूवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ब्रांड ऑफ रिस्ट वॉचेस आर प्राइज्ड एट फ्रॉम रुपीज 4 lakhs टू 4 crores। नीचे देखे में से कौन सी ब्रांड है रिस्ट वॉच की जो प्राइस होते हैं 4 lakhs टू 4 crores? ऑप्शन नंबर वन Giordano, सेकंड स्वैच, थर्ड ब्रिग्यूट एंड फोर्थ टैग ह्यूअर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रिग्यूट। ब्रिग्यूट ये ब्रांड रिस्ट वॉच की प्राइस करते हैं 4 lakhs टू 4 crores तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच अमॉन्ग दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर। नीचे देखे में से कौन सा दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर है? ऑप्शन नंबर वन फ्लिपकार्ट, सेकंड अमेजॉन, थर्ड ईबे एंड फोर्थ इंडिया टाइम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, अमेजॉन। 79.2 billion इज द टर्नओवर फॉर अमेजॉन सेल लास्ट ईयर एज रिपोर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड इंटरनेशनल करेंसी इन द वर्ल्ड ट्रेड। नीचे देखे में से कौन सी मोस्ट प्रिफर्ड इंटरनेशनल करेंसी होती है वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर? UK पाउंड, सेकंड US डॉलर,
थर्ड यूरो एंड फोर्थ इज जैपनीज येन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, यूएस डॉलर. यूएस डॉलर इज द मोस्ट प्रिफर्ड इंटरनेशनल करेंसी इन द वर्ल्ड ट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी इंट्रोड्यूस द सेलुलर मोबाइल फोन टू द वर्ल्ड. नीचे देखिए में से कौन सी कंपनी ने सेलुलर मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस किया दुनिया में. ऑप्शन नंबर 1 नोकिया, सेकंड इज इरिक्सन, थर्ड इज मोटोरोला एंड फोर्थ इज सैगेम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इरिक्सन. इरिक्सन कंपनी इंट्रोड्यूस द सेलुलर मोबाइल फोन टू द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग दिस इज द रिचेस्ट इंडियन विद अ वेल्थ ऑफ अबाउट 41.7 यूएस डॉलर, 41.7 बिलियन यूएस डॉलर. नीचे देखिए में से कौन भारत का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है 40.17 बिलियन यूएस डॉलर से. मुकेश अंबानी रिलायंस के, अजीम हसीम प्रेम जी विप्रो के, शशि एंड रवि रोला इसार के, या सावित्री जिंदल एंड फैमिली जिंदल के. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुकेश अंबानी रिलायंस के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रेटेड एज द मोस्ट पावरफुल बिजनेस वूमन बाय फॉर्च्यून मैगजीन यूएसए रिसेंटली. नीचे देखिए में से कौन किसको मोस्ट पावरफुल बिजनेस वूमन का किताब दिया गया फॉर्च्यून मैगजीन की तरफ से यूएसए में रिसेंटली. किरण मजुमदार शाह सीएमडी बायकॉन, इंदिरा नॉयजी ग्लोबल सीईओ पेप्सिको, मैडम मसरी वॉरियर सीटीओ सिस्को, चंदा कोचर सीईओ आईसीआईसीआई. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा नॉयजी ग्लोबल सीईओ पेप्सिको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द यूरोप्स लीडिंग रिटेलिंग कॉरपोरेट विद द ओवर 120 बिलियन यूरोज टर्नओवर, ऑल्सो द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर प्लानिंग टू वेंचर इन इंडिया. नीचे देखे में से कौन सी यूरोप की लीडिंग रिटेलिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर 120 बिलियन यूरोज है और वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर कंपनी है जो प्लानिंग कर रही है वेंचर इंडिया में वेंचर करने की. फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स एंड स्पेंसर यूके, सेकंड टेस्को यूके, थर्ड कैरीफोर फ्रांस एंड फोर्थ इज मेट्रो एजी जर्मनी. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैरीफोर फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अपार्ट फ्रॉम बिल गेट्स वर्थ ओवर 56 बिलियन यूएस डॉलर, हु इज रैंक द सेकंड इन द टॉप 10 रिचेस्ट टेक टाइटंस बाय फोर्ब्स यूएसए. जो बिल गेट्स को अगर हम छोड़ दें जिनकी वर्थ 56 बिलियन यूएस डॉलर है, हु इज रैंक द सेकंड इन द टॉप 10 रिचेस्ट टेक टाइटंस. नीचे देखें में से कौन टॉप 10 रिचेस्ट टेक टाइटंस में आता है जो जिस यूएसए के फोर्ब्स में जिसने डिस्क्राइब किया. माइकल डेल के, लैरी एलिसन ओरेकल के, लैरी पेज गूगल के, और स्टीव बेलमर माइक्रोसॉफ्ट के. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लैरी एलिसन ओरेकल के. इनको ये इनका सेकंड रैंकिंग आई टॉप 10 रिचेस्ट टेक टाइटंस में की लिस्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच अमॉन्ग दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ ओवर 98 मिलियन टन्स पर ईयर. नीचे देखिए में से कौन सी कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है जिसके टर्नओवर 98 मिलियन टन्स पर ईयर, यानी कि 98 टन्स पर ईयर वो प्रोड्यूस करती है. निप्पॉन स्टील्स जापान, पोस्को साउथ कोरिया की, हेबी आयरन एंड स्टील चाइना की, आर्केलर मित्तल लुक्जमबर्ग की. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आर्केलर मित्तल लुक्जमबर्ग. इनकी कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है जो हर साल 98 मिलियन टन्स स्टील निकालती हैं, प्रोड्यूस करती हैं उनके ओर से, रिस्पेक्टिव ओर से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट डिसॉल्व एंड कंट्रोल इंडिपेंडेंटली. नीचे देखे में से कौन सा बिजनेस ये इजी होता है स्टार्ट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए और इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करने के लिए. ऑप्शन नंबर 1 प्रोप्राइटरी, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड HUF एंड फोर्थ कंपनी. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोप्राइटरी.
प्रोप्राइटरी ये बिजनेस का टाइप होता है और जो बहुत ही इजी होता है स्टार्ट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए और इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट ऑफ इंडिया। नीचे देखे में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स FDIs इन इंडिया। नीचे दिए गए में से कौन सा देश का लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs इंडिया में होता है। ऑप्शन नंबर 1 UK, यूनाइटेड किंगडम, सेकंड USA, अमेरिका, थर्ड सिंगापुर एंड फोर्थ मॉरिटियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मॉरिटियस। मॉरिशियस ये देश का सबसे ज़्यादा फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच सेक्टर इज अप्रूव्ड फॉर द मोस्ट FDIs इन इंडिया। नीचे दिए में से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड हुआ है FDIs में करने के लिए इंडिया में। टेलीकम्युनिकेशंस, सेकंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, थर्ड इज फ्यूल्स एंड फोर्थ इज रिटेलिंग। तो इसका सही आंसर है फ्यूल्स। फ्यूल सेक्टर इज द अप्रूव्ड फॉर द मोस्ट FDIs इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू फीचर इन द ग्लोबल 500 लिस्ट बाय फॉर्च्यून। फॉर्च्यून ने दिए गई हुई ग्लोबल 500 की लिस्ट में कौन सी पहली इंडियन कंपनी प्राइवेट कंपनी वहाँ पे फीचर हुई। ऑप्शन नंबर 1 ITC, सेकंड इज टेलको, थर्ड इज रील RIL एंड फोर्थ इज टिस्को TISCO। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रील। रील इज द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू फीचर इन द ग्लोबल 500 लिस्ट बाय फॉर्च्यून। तो इसी की तरह से जनरल नॉलेज की का टॉपिक बिजनेस जो हम ये पहली क्विज है बिजनेस के ऊपर जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ मोटिवेटेड रहिए, हमेशा डिसिप्लिन में रहिए अपनी स्टडी के ऊपर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।